हाय एवरीवन, वन सो वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक सुन एकेडमी। तो पहले तुम्हें मुझे कही थी राति 9 क्लास करी बोली, किंतु आज पे लाइव हो पारोनि, तो से वीडियो रेकॉर्ड कर दूचे है। तो जमी मुझे तुमको कौन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रे तुम एम सी क्यू सब डिस्कसन करवा है, एम सी क्यू डिस्कस करवा जो तुम कौन ब्यूरो बुक रुम सब जान। ब्यूरो बुक डायरेक्टली क्वेश्चन तुम एग्जाम आसूँ, तो निश्चित भाव में ये वीडियो तुम पर इंपोर्टेंट अच्छी। समस्त जिते भी एम सी क्यू मुझे डिस्कसन करी तुम ब्यूरो बुक सब एम सी क्यू देख करेक्शन तुम बुक अच्छी, तो बुक रे करेक्शन कर नब है। चलो बेसी किसी न कही स्टार्ट करवा वीडियो को, सब ध्यान रे सुनबो है। तो देखो यहाँ तुम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो मैंने जो चाहूँ सर 90+ हो कि 80+ जो मैंने चाहूँ, तो देखो 90-80+ के तुम एम सी क्यू भी जिते बेले ना तुम लॉन्ग क्वेश्चन तो सब करेंगे, सब पिला करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तुम कौन शॉर्ट नोट भी सब करेंगे, डिफरेंस बिटवीन भी करेंगे। जिते बेले तुम सब पिलार जब तुमको आगक होबार छै कौन नियति भाव में तुम कौन एम सी क्यू मैं तुमको करेक्ट करते बेले एम सी क्यू तुम मैंने सब करेक्ट कर रईट करते ही तुम जीव कि ना, तो सब पिला तुम शॉर्ट नोट पढ़ुंला, शॉर्ट नोट पढ़ुंट, डिफरेंस बिटवीन पढ़ुंट, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ुंला, सब पिला के क्यों पिला 90% आनुच, क्यों पिला तुम 80% आनुच, जो पिला कौन जार एम सी क्यू बेस भल होगा, कारण एम सी क्यू बहुत सारा बहुत पिला भूल हो कि से जो मैंने एम सी क्यू ठीक कर मार्क बुस्ट हो पार है। चलो बेसी देर नक स्टार्ट कर फर्स्ट क्वेश्चन देख, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म, डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू एन ओवम इज असिस्टेड बाय रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो पहले एआरटी बोली गोटे तुम प्रोसेस अच्छी पिले तुम है, एआरटी बोली गोटे प्रोसेस अच्छी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो तुम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट सब कर जाए, तो एमती कौटा तुम टेक्नोलॉजी अच्छी किंबा कौटा तुम टेक्निक अच्छी जो थी तुम स्पर्म को डायरेक्टली ओवम इंजेक्ट कराओ है। देख ऑप्शन तुमको दी जिफ्ट, जिफ्ट रोचे गेमेट इंट्रा फलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, तपर जिफ्ट होची तपर आईसीएसआई, तपर तुम ईटी रही है कौटा हो पिले। तो जो मैंने जो यार आंसर जाने तो बहुत भल कथा पिले, मुझे कहीदे यार आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। देख ना तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, कौन कहली इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो यहाँ हम तुम राइट आंसर। यही प्रोसेस डायरेक्टली तुम स्पर्म को ओवम रे इंजेक्ट करा हुए, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौटा तुम राइट हम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इंटेंसिटी लैक्टिंग मदर डू नॉट जनरली कॉन्सीव ड्यू टू डेथ। तो बोले तुम कौन हुए जिते बेले लैक्टिंग मदर मैंने मदर जिते बेले लैक्टेसन पीरियड चल था से कौन पर कॉन्सीव हुए ना, कौन पर हुए ना, तो जिते बेले तुम लैक ऑफ लैक्टेसन देखा जाए कि जिते बेले तुम कौन ग्रोथ हो कि मिल्क प्रोडक्शन बेसी न हो पारे है। देखो फर्स्ट है सप्रेसन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, हाइपर सिक्रेसन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, सप्रेसन ऑफ गेमेटिक कौन तुम ट्रांसपेट आउ डी हूँ तुम सप्रेसन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कौन हम तुम राइट आंसर, राइट आंसर तुम ऑप्शन नंबर सप्रेसन ऑफ गोनाडोट्रोपिन है। लाइव करते पे भल लगी था कौन कर लाइव तो हो पारनी से अपलोड कर दीचे है, तुम आंसर जानवा बेसी दरकार पे निहती भाव में लाइव कर डिस्कसन करुचु एका हेले भी तुम आंसर जानवा बेस इंपोर्टेंट कि नहीं से भिडियो तुम कर दूचे है। विच इज नॉट ए स्पेसिंग मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो ये मध्य पिले कौटे तुम स्पेसी कौन तुम स्पेसिंग मेथड नुहे है, फर्स्ट हूँ नेचुरल मेथड, टर्मिनल मेथड, केमिकल मेथड, आ गोटे तुम कौन हॉर्मोनल मेथड। तो तुम ऑप्शन रे जानु देख, जदि मन को जो मैंने क्वेश्चन टिके बुझुचो से देख ऑप्शन रू कमी धरी पार। टर्मिनल मेथड रे पिले टोटाली तुम फैमिली प्लानिंग टर्मिनल मेथड जब आसगला टोटाली तुम कौन हे मैंने चाइल्डा बार्थ हेनी, तो सीटा गोटे स्पेसिंग नहीं, स्पेसिंग अर्थ कौन एवे न करी फैमिली प्लानिंग अर्थ हो, स्पेसिंग अर्थ होची जे कपल मैंने डिसाइड करेंगे है, जो वाइफ हस्बैंड थे डिसाइड करेंगे आम कौ वर्ष किंवा केतेटा बेबी करवा कि कौ वर्ष आम बेबी कर, यहाँ आम कौन स्पेसिंग मेथड कि स्पेस रखाला, तो नेचुरल मेथड रो भी काम दबो, केमिकल मेथड रो भी काम दबो, हॉर्मोनल रो भी काम दबो, किंतु टर्मिनल जिते बेले टर्मिनल अर्थ कौन तुम दुटा वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी कि नहीं, तो यहाँ हो पारे तीन गोटे ऑप्शन नंबर क्या तुम बी राइट आंसर हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इंट्रायुटेरिन डिवाइस आर नॉट मेड अप ऑफ डैश, तो इंट्रायुटेरिन डिवाइस पिले जो था आईयूसीडी कि आईयूडी जोड़ा कहुए से कौ द्वारा तैयारी हुए ना, प्लास्टिक मेटाल सी है रबर, आ गोटे डी हूँ तुम प्लास्टिक मेटाल है, तो यहाँ तुम ऑप्शन नंबर पिले राइट हम रबर में जिते हेले भी केवे भी तुम इंट्रायुटेरिन फालोपियन ट्यूब सॉरी इंट्रायुटेरिन डिवाइस तुम तैयारी हुए ना है। नेक्स्ट, क्रीम जेली एंड फोम
टैबलेट आर केमिकल कंट्रासेप्शन ऑफ विच मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो कौ बर्थ कंट्रोल मेथड रे पिले तमोर क्रीम यूज करा हुए, जेली यूज करा हुए, आउ फोम टैबलेट गुड़ा यूज करा हुए हैला। कोडे तमोर फर्स्ट ऑप्शन दिछे आईओडी, सेकंड केमिकल मेथड, सी हार्मोनल मेथड, ना डी नेचुरल मेथड। तो एटा पिले तमोर सब जानि छ ना जाना पछि क्रीम जेली सब कोन दो केमिकल कि नै। तो एटा हो तमोर ऑप्शन नंबर बी हैला, ऑप्शन नंबर बी तमोर राइट आंसर हो केमिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल मेथड। तो कोड एप्ली तुम केमिकल मेथड रे जाऊ नहीं, इटा लैक्टिक एसिड, मालिक एसिड, बोरिक एसिड और साइट्रिक एसिड कोड तुम जाए नहीं पिले। एटा तुम ऑप्शन नंबर सी राइट हम मालिक एसिड हैला। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए मेथड ऑफ ट्यूबेक्टोमी। तो ये मध्य कौटे तुम ट्यूबेक्टोमी मेथड, ट्यूबेक्टोमी सब जाच जो फीमेल मानक टर्मिनाल प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी कही था कि। फर्स्ट देख, कन्वेंशनल ट्रांस अब्डोमिनल सर्जरी, ना तुम कन्वेंशनल लेप्रोटोमी, सी हूँ इम्प्लांट्स, आ डी हूँ तुम मिलापरोटोमी। तो कौट आंसर हम पे तुम रईट, फर्स्ट तुम ऑप्शन ही जापार ट्यूबेक्टोमी कौटे तुम इम्प्लांट तो किसी लिंक ना, यहाँ भी गोटे गोटे टाइप कौन तुम ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस है, गोटे गोटे टाइप कौन ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस, कि तुम रहा इम्प्लांटेसन, इम्प्लांट तो तुम जयगोट कि फटर से इम्प्लांट हम यूट्रेस। तो तुम ऑप्शन नंबर कौटे रेट हम ऑप्शन नंबर सी हैला। तो पहले आउ गए छोटिया इनफर्मेसन देवा चाहिए, जो मैंने भी जब जान से जान तो भल कता भिड को स्कीप आगे कर देखी नियो। मोर गोटे पे टेलीग्राम पेड बैच अच्छी है, टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप अच्छी जो पेड बैच हिसाब से चलाऊँ मुझे तुमको केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स आउ बायोलॉजी यही तो सब प्रैक्टिस तुमको सबुद क्वेश्चन मिले, केमिस्ट्री सब क्वेश्चन, मैथ रु क्वेश्चन, मैथ रो तो सर पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टिवली क्वेश्चन पूरा दौंती है, फिजिक्स तुमको चैप्टर वाइज दिखाई, बायोलॉजी दिया। तो जो मैंने जान से इंटरेस्टेड जो अच्छा डिस्क्रिप्शन में मो नंबर अच्छी से नंबर में मतलब मेसेज करके डिटेल सब क्लीयर हो, जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा फोर्सफुली नहीं, जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा से मतलब मेसेज कर बैच में जॉइन होगा करदेव है। बैच रो फीस पिले रही 200 टाँग है, आईटा पिले तुम थे ही पे कर मसकू कि मंथली पे करवा दरकार नहीं, खाली थे ही 200 टाँग तुम पे कर और तुम एग्जाम पर्यंत से टेलीग्राम बैच रे एक्सेस कर पार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिले, इन विच टाइप ऑफ पिल बोथ इस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टिन आर प्रेजेंट इन द नियरली द सेम अमाउंट। तो पिले तुम ओरल पिल सुनी थो, तो से ही पिल्स पिले कौ पिल्स तुम ओस्ट्रोजेन आउ प्रोजेस्टेरोन पिले समान मात्रा रे प्रेजेंट थाए। तुम ऑप्शन देखो, मोनोफेजिक कंबाइन, मल्टीफेजिक कंबाइन, मिनी और एंटी प्रोजेस्टेरोन। एंटी प्रोजेस्टेरोन टोटाली हेबनी पिले हैला, मोनोफेजिक अर्थ तो मोनोर तुम जानपर मोनो अर्थ गोटे कि नहीं, तो ये ऑप्शन मतलब कनेक्ट करदे, मिनी मध्य हेबनी। तो ऑप्शन गोटे रहा तुम ऑप्शन नंबर बी रेट पे मल्टीफेजिक कंबाइन, बोले तुम मल्टी तुम वर्ड बुझी पार्छ बहुत, तो जितेबले मल्टीफेजिक कंबाइन तुम कौन ओस्ट्रोजेन आउ प्रोजेस्टेरोन परिमाण नियरली सेम अमाउंट रे थाए हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। तो इनको भितर पिले कोडे इंट्रा यूट्रिन डिवाइस नहुए हैला, वेजिनल वॉल्ट, स्पाइरल्स, लूप्स और टीएस कोडे पिले इंट्रा यूट्रिन डिवाइस पिले तो वेजिनल वॉल्ट नहुए हैला, एटा तो बैरियर मेथड कि नहीं, ये बैरियर डिवाइस, तो यहाँ कौन तुम वेजिनल वॉल्ट गोटे जमी तुम कंडम अच्छी हैला, जमी तुम कंडम अच्छे सेमता तुम कौन वेजिनल वॉल्ट यूज करा हुए, तो यहाँ गोटे तुम कौन आईयूडी कि इंट्रा यूट्रिन डिवाइस नुहे हैला, कौटे तुम रईट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, विच इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो एसटीडी पे तुमको पढ़े मुझ, तो कौटे पे तुम कॉमनली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नुहे हैला, जेनेटल वर्ड्स गोटे पे तुम तुम जान सेक्सुअल ट्रांसमिटेड एसटीडी गोटे, सिफिलिस एसटीडी, गोनेरिया एसटीडी, किंतु कैंसर हो पे एसटीडी नुहे, से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हुए नहीं डिजीजा हैला। तो नियरली आम कौन जानूँ ऑप्शन नंबर सी हम तुम राइट आंसर हैला। नेक्स्ट, विच इज ए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट फॉर मेन। तो पहले फर्टिलिटी तुमको पढ़े मुझ मेन रो फीमेल रो, तो कौटे तुम ट्रीटमेंट एट ट्रीटमेंट रो कथा चलिए चला, कौटे तुम मेल मानी फर्टिलिटी मेल मानी ट्रीटमेंट यूज करा हुए, इंट्रा यूट्रिन इनसेमिनेसन जो तुम आईसीएस कही तुमको, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, असिस्टेड हैचिंग, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हैला। तो कौटा पे तुम तो सब हूँ पे तुम फिमेल मानक गोटे हूँ तुम कौन इंट्रा यूट्रीन
इनसेमिनेसन कौन तुम इंट्रायुटेरिन इनसेमिनेसन ये तुम मेल मन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट तो ऑप्शन नंबर कौन राइट अच्छी ए हो तुम राइट आंसर तुम निज बुक रे करेक्शन करनबो हला और निहाती भाव सब कुछ प्राक्टिस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख एमरजेन्सी कंट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन तो यहाँ तुमको बहुत थर कही तुमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जिते पढ़ाऊ से बहुत थर ये जिनटा कही तुमको रिपीट कर देख एमरजेन्सी कंट्रासेप्टिव अर्थ जो तुम किसी भी कंट्रासेप्टिव तुम आइदर ओराल पिल्स हो कि टैबलेट हो मैंने कौन प्रेगनेंसी की रखापी तो सीटा के आम खाइले कितने बेले इनटेक् कले से कौन हुए इफेक्टिव हे 72 आवर्स ऑफ क्वार्टर्स क्वार्टर्स है तुम मैंने क्वार्टर्स हो सारापर 72 घंटा भितर खाबार अच्छे ना तुम ऑप्शन नंबर भी कौन 22 कौच 72 आवर्स ऑफ ओवुलेशन ओवुलेशन रही 72 आवर्स तुम 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगापर कि तुम इम्प्लांटेशन होगापर है कौटा तुम यहाँ पे तुम बोस मेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए 72 आवर्स ऑफ क्वार्टर्स क्वार्टर्स रहला पर पिले 72 आवर्स भितर जदि तुम एमरजेन्सी कंट्रासेप्टिव यूज कर तुम इफेक्टिव हिसाब से तुमको काम दबो हला आ गोटे अच्छे पे तुम लास्ट एमसीक्यू जोड़ा द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज कंट्रासेप्टिव मेथड इज डैश तो कंट्रासेप्टिव मेथड पे सर्जिकल है तुम द करेक्ट मैंने कौन कह द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज कंट्रासेप्टिव मेथड मैंने करेक्ट अर्थ कौन मैंने कौटा तुम परफेक्टली गोटे कंट्रासेप्टिव मेथड है सर्जिकल मेथड फर्स्ट कर ओविरेक्टोमी तुम देखिए हिस्ट्रेक्टोमी भासेक्टोमी आउ कैसेक्टोमी तो यहाँ सब बोले गोटे गोटे कंट्रासेप्टिव किंतु किसी पार्ट से कटा जाए कि भासेक्टोमी पूरा परमानेंटली तुम कौन हो तुम भास डिफरेन्स को मझे कटा जाए है परमानेंटली कटा जाए तो कौटे करेक्ट पूरा सब बहुत करेक्ट वाला कौटे हम तुम ऑप्शन नंबर सी भाजेक्टोमी हला तो एति आम पे ब्यूरो बुक रो एमसीक्यू सब डिस्कशन करनु नेक्स्ट आम डिस्कशन करवा फिलिंग इन द ब्लैंक्स हला फिलिंग इन द ब्लैंक्स कौन आम नेक्स्ट डिस्कशन करवा नेक्स्ट वीडियो रे ये वीडियो बेसी बड़ हो बेसी बड़ तो है कि आम कौन करवा नेक्स्ट वीडियो तुम फिलिंग इन द ब्लैंक डिस्कशन करवा और बाकी सब जो चैप्टर अच्छे से डिस्कशन करदे आउ पे हेल्थ एंड डिजिज रो आउ गोटे लेक्चर वीडियो अपलोड करवार पे आज तो हो पारा नहीं सेटा को मुझे काली अपलोड कर दे तुम देखीदेव हेला जल्दी जल्दी हमें सारी देखा आगे बढ़िया ठीक अच्छे तो मिले हम अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो रे।